वेलकम टू अनदर वीडियो। ये कंटिन्यूशन है उसी वीडियो की जो पार्किंसंस के ड्रग्स पे आई थी, दो वीडियो पहले आ चुकी हैं, ये थर्ड वीडियो है। ठीक है, अब इसमें हम जो करेंगे वो कंटिन्यूशन करेंगे ड्रग्स की। तो इसमें पहले पहले हम पढ़ेंगे डोपामिन एगोनिस्ट की। प्रीवियस वीडियो हमने की क्या बात की थी कि हमने चार ड्रग्स पढ़ ली कर ली थी, कौन कौन सी ले, वो एल डोपा, कार्बिडोपा और दो इनहिबिटर ऑफ द सीएमटी, टॉलकेपोन एंड नाइटाकेपोन। ये चार ड्रग्स पढ़ ली थी हमने। फिर हमने उधर से जो साइड इफेक्ट देखा था, फ्लक्चुएशन, रेस्पॉन्स फ्लक्चुएशन, उसको हल करने के लिए हमने क्या किया कि हम डोपामिन एगोनिस्ट दे सकते हैं। तो अब हम डोपामिन एगोनिस्ट पढ़ेंगे। अब डोपामिन एगोनिस्ट जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है जी। एक होते हैं अर्गट डेरिवेटिव्स डेरिवेटिव्स और दूसरे होते हैं नॉन अर्गट डेरिवेटिव्स, नॉन अर्गट डेरिवेटिव्स। ठीक है, अब अर्गट डेरिवेटिव्स में कौन कौन सी ड्रग्स हैं? एक है परगोलाइट और दूसरी है ब्रोमोक्रिप्टन, ब्रोमोक्रिप्टन। ठीक है, और नॉन अर्गट डेरिवेटिव में चार ड्रग्स आ जाती हैं। पहले है एपोमॉर्फिन, प्रेमिपिक्सोल, रोपिनिरोल, रोपिनिरोल और दूसरी है रोटीगोटीन, रोटीगोटीन। ठीक हो गया जी, ये चार ड्रग्स हैं। मतलब डोपामिन एगोनिस्ट अर्गट डेरिवेटिव है या नॉन अर्गट डेरिवेटिव? अर्गट डेरिवेटिव में परगोलाइट, ब्रोमोक्रिप्टिन, नॉन अर्गट डेरिवेटिव एपोमॉर्फिन, प्रेमिपिक्सोल, रोपिनिरोल एंड रोटीगोटीन। अब हम ये किन पेशेंट में दे सकते हैं? गिवन इन दोज पेशेंट्स हु हैव रेस्पॉन्स फ्लक्चुएशन, फ्लक्चुएशंस। ठीक है, या उन पेशेंट्स में जो पेशेंट हुआ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंट टू एल्डोपा। ठीक है, या अब ये जो है वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी में भी ये दे सकते हैं हम। ठीक है, अब इस ड्रग के साइड इफेक्ट कौन से हैं इन ड्रग्स के, दोनों अर्गट डेरिवेटिव नॉन अर्गट? एक तो कॉमन साइड इफेक्ट हैं जो दोनों के हो सकते हैं, दोनों के, डोपामिन एगोनिस्ट में लिख रहा हूँ इधर, दोनों के अर्गट भी नॉन अर्गट के भी, उनमें एक तो है। अब देखें, क्योंकि ये डोपामिन एगोनिस्ट है तो ये पेरिफेरी में जो डोपामिन रिसेप्टर हैं, D2 रिसेप्टर हो गए जो वेजल्स पे हैं या हार्ट पे हैं, ठीक है, उन पे ये काम कर सकती है। और कौन कौन से साइड इफेक्ट काज करवा सकती हैं? वोमिटिंग, जो भी डोपामिन काज करवा था ना वही सिम्टम हो गए, नाजिया, डिस्काइनेजिया। ठीक है, और उसके अलावा अपने पोस्ट कार्डिक एरिथमिया, मतलब कार्डिक टैकीएरिथमिया। ठीक है, अब ये कॉमन इनके साइड इफेक्ट हो गए। बट स्पेशली जो अर्गट डेरिवेटिव होते हैं वो मोस्टली हार्मफुल होते हैं, ज़्यादा नॉन अर्गट डेरिवेटिव से। तो स्पेशली साइड इफेक्ट ऑफ अर्गट डेरिवेटिव क्या हैं? एक तो ये पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेशन काज करवाते हैं। क्या काज करवाते हैं? पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेशन, पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेशन काज करवाते हैं, ये इन्फिल्ट्रेशन काज करवाते हैं। ठीक है, और उसके अलावा ये, अब देखें, इनका जो अर्गट हैं वो वेसो स्पास्टिक होते हैं, जो हमारी वेजल्स होते हैं पेरीफरी में, या तो हैंड्स में, डिस्टल इन फिंगर्स में, या तो फीट में, उधर क्या करवाते हैं? वेसो स्पास्टिक, तो उधर ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी तो उधर गैंग्रीन काज करवा सकते हैं। ठीक है, ड्यू टू वेसो स्पास्टिसिटी। ठीक हो गया जी, और ये क्या करवा सकते हैं? ये एराइथ्रोमेलजिया भी काज करवा सकते हैं, एराइथ्रोमेलजिया भी काज करवा सकते हैं। ये क्या है? मतलब रेड हार्ट, सोइलेंट फीट। ये स्पेशली इन साइड इफेक्ट ऑफ द अर्गट डेरिवेटिव हैं, तो ये ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं, तो इसलिए हम नॉन अर्गट डेरिवेटिव यूज़ करते हैं। अब इनमें जो प्रेमिपिक्सोल है, ये अच्छी ड्रग है, ये ज़्यादातर यूज़ होती है क्योंकि ये न्यूरोप्रोटेक्टिव, समटाइम ये बोलते हैं कि ये में एंटी ऑक्सीडेंट भी फंक्शन होते हैं, तो ये न्यूरोप्रोटेक्टिव भी है। मैं लिख देता हूँ न्यूरोप्रोटेक्टिव। ठीक हो गया जी, अब ये डोपामिन एगोनिस्ट हो गए।
अब जो उसके बाद हमारी जो स्ट्रेटेजी थी वो हमने ये भी पढ़ी थी कि इनहिबिटर ऑफ मियो एंजाइम मोनोअमाइन ऑक्सीडेज भी हम दे सकते हैं इनमें, ठीक है, इनहिबिटर ऑफ मियो। अब जो इसमें आ जाती है बात कि इनहिबिटर ऑफ द मियो है, उसमें जो मियो है एंजाइम, मियो एंजाइम है वो है दो टाइप के, एक मियो ए है दूसरा मियो बी है। ये होता है एपिनेफ्रीन, नॉर एपिनेफ्रीन और सीरोटोनिन के लिए, सीरोटोनिन के लिए, ठीक है, क्योंकि ये मोनोअमाइन न्यूरोट्रांसमीटर है, और जो बी होते हैं वो बेसिकली डोपामिन के लिए होते हैं। तो हम सिलेक्टिव मोनोअमाइन और बी वाले ड्रग्स देते हैं, वो कौन सी हैं, सेलेजिलिन है, सेलेजिलिन और सेफिनामाइड है, सेफिनामाइड, और तीसरी है रसाजेलिन, रसाजेलिन, ठीक हो गया जी, ये हैं। उसके अलावा हमारी चौथी ये भी कैटेगरी थी लास्ट वाली, एंटी मस्कारेनिक, एंटी मस्कारेनिक ड्रग्स। ठीक है, इसमें एंटी मस्कारेनिक वाली क्लास में हमें दो ड्रग कॉमनली यूज़ होती हैं एज अ पार्किंसंस, बेंसोट्रिपिन ट्रोपिन है, सॉरी बेंसट्रोपिन, और दूसरी है ट्राईहेक्सीफेनिडिल, ट्राईहेक्सीफेनिडिल, ठीक है। अब ये क्या करेंगी, ये सीएनएस में जाएंगी और काम कहाँ पे करती हैं, स्ट्राइटम में, मतलब बेजल स्ट्राइटम, कार्डेड न्यूक्लियस एंड द पुटामिन, न्यू स्ट्राइटम, ठीक है, उस पर काम करेंगी। और ये क्या करेंगी, मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ ट्रेमर्स एंड रिजिडिटी, क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि ये इंक्रीज लेवल क्यों हो रही है, बिकॉज ट्रेमर्स और रिजिडिटी इंक्रीज लेवल ऑफ एसिटाइलकोलाइन की वजह से हो रही है, ठीक है। और इनके अगर साइड इफेक्ट, वो आप जो एनएस में हम एंटी मस्करेन के पढ़ेंगे उधर आप कन्फ्यूजन कह लें, एक साइड इफेक्ट मैं जल्दी में बता देता हूँ आपको, कन्फ्यूजन, कॉन्स्टिपेशन, ये आपने पढ़ी भी होंगी एनएस में, और साइक्लोप्लेजिया, ये काज करवाती हैं, ठीक है। और लास्ट वाली ड्रग थी हमारी एमेंटेडीन। अब ये बेसिकली जो है एमेंटेडीन, ये एंटीवायरल ड्रग है, बट डॉक्टर्स ने फाइंड किया कि ये इज़ एंटी पार्किंसन भी काम करती है, क्योंकि ये क्या करवाती है, ये रिलीज ऑफ डोपामिन को बढ़ाती है, और ये क्या करवाती है, डिक्रीज रीअपटेक भी करवाती है। तो मतलब जब डिक्रीज रीअपटेक होगा डोपामिन की, तो वो डोपामिन साइनेप्टिक के लेफ्ट में मौजूद होगा ज़्यादा टाइम के लिए, तो उधर वो पोस्टसिनेप्टिक मेम्ब्रेन को स्टिमुल करता रहेगा, ठीक है। और ये ब्लॉक कोलिनर्जिक रिसेप्टर भी करती है, तो ये इसके फंक्शन है, ठीक है। अब ये इधर ड्रग्स ख़त्म हो गई, तो इधर मैं आपको कंक्लूजन बता दूं इनका, कि इनका कंक्लूजन क्या है, सारी ड्रग्स हमने कितनी पढ़ी अभी तक, कितनी ड्रग्स हमने पढ़ी हैं। अब देखें, रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, बेसिकली स्टेप वाइज जैसे मैंने पढ़ाया ना आपको, ऐसे याद रखेंगे आपको याद होंगी। पहले पहले हमने ड्रग की थी प्रीकर्सर ऑफ द डोपामिन, जिसको हम कहा एल डोपा, ठीक है। फिर अगर आपको याद हो कि एल डोपा के साथ एक साइड इफेक्ट आ रहे थे, जो डोपामिन डीकार्बोक्सीलेज कर रहा था, एल डोपा को डोपामिन में कन्वर्ट, उसके लिए हमने दिया कार्बी डोपा। इसको अगर हम बोल दें ये इनहिबिटर ऑफ डोपामिन डीकार्बोक्सीलेज है। और लास्ट में हमने किया के, और तीसरी हमने की के टॉल के पोन, और चौथी हमने की एंटा के पोन, जो क्या है, इनहिबिटर ऑफ सी एम टी है, इनहिबिटर ऑफ सी ओ एम टी। उसके बाद हमने क्या किया कि डोपामिन एगोनिस्ट की हमने, कौन कौन सी, एक हमने की परगोलाइट, परगो लाइट की हमने, फिर हमने की ब्रोमोक्रिप्टिन, जो के क्या है अर्गर डेरिवेटिव है,
अर्गर डेरिएटिव है, और उसके अलावा फिर हमने कि नॉन अर्गर डेरिएटिव है, सातवीं ड्रग एपोमॉर्फिन, एपोमॉर्फिन, फिर हमने की प्रेमीपिक्सोल, ठीक है, फिर हमने की रोपिनिरोल, रोपिनिरोल, फिर हमने की रोटीगोटीन। अब ये चारों ड्रग क्या हैं, नॉन अर्गट हैं, ठीक हो गया जी। अब देखें 10 हो गए, हमें पता भी नहीं चला है हमने कितनी कर ली है। फिर हमने आपको अगर याद हो को इनहिबिटर ऑफ म्यू एंजाइम की, उसमें हमने क्या किया, सेलेजिलिन पढ़ी, और कौन सी की, रेसाजेलिन पढ़ी हमने, रेसाजेलिन, फिर हमने की सेफिनामाइड, ये क्या है, इनहिबिटर ऑफ मियो टाइप बी बेसिकली, ठीक। फिर हमने की एंटी मस्करेनिक, उसमें पहले बेंस्ट्रोपिन की हमने, फिर हमने की ट्राहेक्सीफेनिडिल, ये क्या है, एंटी मस्करेनिक है ये, और लास्ट में हमने की एमेंटेडीन जो एंटीवायरल एज है और ये काम करती है, ठीक है। तो टोटल हमने कितनी कर ली, हमने 16 ड्रग्स लिए हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है, ऐसे याद करेंगे याद नहीं होंगी, आपको सीरीज से ऐसे याद करेंगे तो इंशाल्लाह आपको याद हो जाएंगी। होप्स हो कि आपको ये वीडियोस तीनों अच्छे लगे होंगे और आपको समझ में आ गई होगी एंटी पार्किंसन वाली ड्रग्स। उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आगे भी अच्छी वीडियोज़ आएंगी और आपको अच्छी लगेंगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें और लाइक भी दबा दें। शुक्रिया।